प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जिंदगी में कई मौके हम सबके सामने आते हैं जो हमें लगता है कि बहुत दुख दर्द से भरे हुए हैं। तकलीफ हमें वहाँ से आनी शुरू हो जाती है जहाँ से कभी हम उसे सोचते नहीं कि हमें यहाँ से तकलीफ आएगी। होता है कोई नज़दीकी कुछ ऐसा कह देता है जो हमारे दिल को लग जाता है। कुछ काम पर कुछ अनबन जिनके साथ काम करें उनके साथ हो जाती है। जहाँ हम रह रहे हैं हमारे नेबरहुड में कोई तकलीफ़ हमारे सामने आ जाती है तो इंसान सोचता है कि इन तकलीफ़ों के साथ हम सामना कैसे करें। इंग्लिश में एक मुहावरा है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, कि अगर ज़िंदगी हमें एक खट्टी सी चीज़ दे जैसे कि नींबू है तो नींबू को सिर्फ वैसे ही हम ना रहने दें, उसमें मिठास को डालें और शिकंजी बनाएं। ज़िंदगी में तकलीफ़ें ज़रूर कहीं ना कहीं से आती हैं, लेकिन उन तकलीफ़ों का सामना इंसान ने कैसे करना है ये हम पर निर्भर है। इंग्लिश में ये जो मुहावरा सुनाया जाता है ये तब कहा जाता है कि जैसे जब कोई हम चीज़ खरीदते हैं और जो वो चीज़ हम खरीदते हैं जो उसे करना चाहिए वो करती नहीं। जैसे कि आप एक नई कार खरीदो तो जब नई कार खरीदते हैं हम तो हमें लगता है हर एक चीज़ सही होगी, लेकिन जब उसे चलाने लगते हैं अगर कोई आवाज़ें आती हैं कार में से या ब्रेक्स ठीक नहीं लग रही या एक्सेलरेशन ख़राब हो रही है या कार में कुछ और गड़बड़ हो रही है तो बोलना शुरू कर देते हैं कि दिस इज़ अ लेमन, कि ये एक नींबू के माफक है। और बहुत सी बार इंसान चीज़ जब ख़रीदता है सोच समझ के ख़रीदता है लेकिन जब उसे इस्तेमाल करता है तो वैसे चलती नहीं जैसे कि वो चलनी चाहिए। तो उस हालत में क्या करें? अगर उसके बारे में सिर्फ हम क्रिटिसाइज ही करते रहे, रोते पिटते ही रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तभी ये मुहावरा बनाया गया है कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएंगी लेकिन उनमें हम मिठास डालें। नींबू के साथ पानी मिलाएं और मिठास डालें तो एक बड़ी स्वादिष्ट ड्रिंक बन जाती है जो गर्मियों में बहुत इंसान अच्छी तरह से पीते हैं और उससे बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी में जब तकलीफ़ हो तो उसका हम सामना करें। एक वाक्य है जो एक किसान की ज़िंदगी का है। एक किसान था और जो उसका फार्म था उस पर बहुत से जानवर रहा करते थे। उन जानवरों में एक गधा भी रहा करता था और जो वो गधा था वो बहुत शरारती था। कभी एक शरारत करता था, कभी दूसरी शरारत करता था। तो जो किसान था उससे बहुत दुखी हो गया था। जब देखो किसी न किसी चीज़ में गधा कभी पैर मार जाता था, कभी कुछ कर देता था और चीज़ें वो ख़राब कर देता था। एक दिन क्या हुआ कि रात का समय था और वो गधा उस फार्म पर जा रहा था तो वो एक कुएं में गिर गया। उसने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया तो जो बाकी जानवर थे उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, वहाँ गए तो देखा कि वो उस कुएं में गिरा हुआ था। तो जो किसान था वो अपने घर में सो रहा था, उसे कुछ आवाज़ आई नहीं। तो बाकी जानवरों ने जाकर उसके घर के पास बहुत ज़ोर ज़ोर से
आवाज़ें करनी शुरू कर दी। किसान उठा, जब बाहर गया तो जानवर जो बाकी थे उसे कुएं की ओर ले गए। जब किसान ने देखा कि गधा कुएं में गिरा हुआ है और उसे लगा कि कुछ तरीका नहीं कि इसको मैं कुएं में से बाहर कैसे निकालूं, तो उसने सोचा कि यही अच्छा होगा, ये बहुत तंग करता है मुझे, इसका क्रियाक्रम यहीं कर दिया जाए। उसने और किसान जो आस पास रहते थे उनको बुलाया, सब ने अपनी शवल ले कर जो मिट्टी थी बाहर से वो अंदर कुएं में डालनी शुरू कर दी। अब जो गधा था, जब उसके ऊपर मिट्टी पड़ी तो उसने और शोर मचाना शुरू किया। उसे लगा ओहो, ये तो मुझे मिट्टी मेरे ऊपर डाल रहे हैं, मुझे यहीं दफना देंगे। लेकिन फिर उसे लगा कि ये तो मिट्टी आई जा रही है और मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं, तो शांत हुआ और उसे एक ख्याल आया। उसने मिट्टी जो उसके ऊपर गिरी थी उसको अपने ऊपर से छिड़काया, हिलाया, उसको नीचे कर दिया और एक कदम मिट्टी के ऊपर आ गया। जैसे जैसे मिट्टी और ऊपर से उसके ऊपर गिर रही थी, वो अपने बॉडी से जो भी मिट्टी गिरी थी हिला के उसको नीचे कर देता था, तो आस्ते आस्ते वो ऊपर आना शुरू हो गया। अंधेरा बहुत था, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, तो सब लोग लगे हुए थे चलो अच्छा है मिट्टी डाली जा रहे हैं तो यहीं काम सारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह हो रही थी तो उन्होंने देखा कि इतनी मिट्टी वो डाल चुके थे कि जो गधा था बिल्कुल कुएं के ऊपर तक पहुंच गया था, वहां से उठ के वो भाग गया। तो जब हम हलचल में होते हैं, जब तकलीफ़ में होते हैं और हमारे अंदर हलचल हो, तो उस समय हम कोई भी रास्ता निकाल नहीं पाते। जब हमें तकलीफ़ हो रही हो और हम उसी की बात करते जाएं कि इसने मुझे तकलीफ़ दे दी, उसने मुझे तकलीफ़ दे दी, पता नहीं कार क्यों ख़राब निकल आई, हमने तो पैसे भी पूरे दिए थे, और हम वही बातें करते जाएं तकलीफ़ के बारे में, तो वो तकलीफ़ दूर नहीं होगी। और जब हम हलचल में खुद होंगे तो हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हम शांत होते हैं तभी अच्छे अच्छे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हम कोई ना कोई अच्छा रास्ता ढूंढ पाए। ज़िंदगी की ओर देखें, हर एक इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। हमें यही समझाया जाता है कि ऊंच नीच के साथ हमने अपनी ज़िंदगी प्यार से गुजारनी है। वो तब गुजरेगी जब हम अपने आप को शांत कर पाएंगे। अगर हलचल में ही रहेंगे तो तकलीफ़ ही तकलीफ़ होगी। लेकिन जैसे कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि जब अंधेरा हो तो रोशनी फिर निकल ही आती है कहीं ना कहीं से, तो हमें उस रोशनी को ढूंढना है। और उस रोशनी को हम तब ढूंढ पाएंगे जब हम शांत अवस्था में होंगे। इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि हम भजन अभ्यास करें। हम ध्यान बाहर की हलचल से हटाएं, हमारे अंदर जो प्रभु बस रहे हैं उनकी ओर ध्यान दें। जो शांति का भंडार हमारे अंदर है, जो प्रेम का समुंदर हमारे अंदर है, हम उसके साथ जुड़ें और अपने आप को एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जीने की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दें। हम सब अपने आप को शांत कर सकते हैं अगर हम हलचल से दूर होंगे। जो बाहर की दुनिया, यहाँ पे सब चीज़ थोड़ी देर के लिए है, इधर हलचल ही हलचल है, कोई ऐसा नहीं जो कि सदा सदा के लिए रहेगा। लेकिन हमारे अंदर पिता परमेश्वर हैं जो सृष्टि के शुरुआत से थे, आज भी हैं और सृष्टि के आखिर तक रहेंगे, तो हमें उनके साथ जुड़ना है। जब इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है तो उसका विश्वास हर एक चीज़ से उठ जाता है।
इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही ये क्यों ख़राब हो रहा है। औरों के लिए तो शायद चीज़ें ठीक हैं, बट हम लोग यही सोचते हैं कि लगता है कि सारी तकलीफ़ें हमें ही आ रही हैं, और प्रभु की ओर से भी विश्वास इंसान का उठना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें ये जानना है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। हमारे पिछले कर्म क्या थे उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो कई चीज़ें इस ज़िंदगी में होती हैं जो हमारी समझ के दायरे से बाहर होंगी, लेकिन वो भाई बहन जिनका विश्वास पूरा पिता परमेश्वर में होता है वो इस भवसागर को पार कर ही जाते हैं। अब अगर आपके पास कार हो और आपके पास ड्राइवर हो कार चलाने का, तो जब आप ड्राइवर कार चला रहे हैं, आप कार में बैठे हैं, उस वक़्त आप फिक्र नहीं कर रहे कि वो ड्राइवर आपको जहाँ आपने पहुँचना है वहाँ तक पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा। आपको विश्वास है कि वो ड्राइवर आपको वहाँ पहुँचा देगा। अगर आप ट्रेन में बैठे हों तो आपको विश्वास है कि जो ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है, जो ट्रेन का ड्राइवर है, वो गाड़ी को आपको जहाँ पे आपने जाना है उस सिटी में पहुँचा देगी। जब आप हवाई जहाज़ में चढ़ते हैं तो आपको विश्वास है कि जो पायलट है वो जहाँ भी जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको ले जाएगा। हम इन लोगों पर विश्वास करते हैं। अगर शरीर के साथ कोई तकलीफ़ हो जाए और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो जांच पड़ताल करते हैं और वो कहते हैं कि आपका ऑपरेशन होना है, तो हम कहते हैं हाँ हमारा ऑपरेशन हो जाए हमारे लिए ठीक है। तो हम अपनी जान उनके हाथ में देते हैं, वो हमें बेहोशी की अवस्था में ले जाते हैं, तो हमें अंदर से विश्वास है। बेहोशी की अवस्था में अगर डॉक्टर ले भी गए और अंदर जो भी कह रहे हैं उन्होंने ठीक करना है, उसके बाद हमको बाहर ले आएंगे। हम डॉक्टर में विश्वास करते हैं, हम अपने वकीलों में, अपने अकाउंटेंट्स में और जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ, उनमें सब में विश्वास करते हैं। तो पिता परमेश्वर में क्यों नहीं? प्रभु ने सब कुछ रचा है, उनके भाने में सब कुछ चलता है, उनकी रजा में सब कुछ होता है, तो हमारा विश्वास प्रभु में पूर्ण क्यों नहीं होता? हम लोग जो हमें चाहिए वही प्रभु से मांगते रहते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि शायद हमारे दिमाग के ज़रिए जो हमें ज्ञान है उसी से ही हम सब कुछ पाएंगे, और जितना भी ज्ञान है दुनिया का हम पाते हैं उसी के ऊपर बेस होती है कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, और हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होगी तो चीज़ें हमारे लिए बेहतर होंगी। लेकिन प्रभु जिन्हें मालूम है कि हमारा पास क्या था, हमारा प्रेजेंट क्या है, हमारा फ्यूचर क्या होगा, उसमें हम विश्वास क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो हमारा मन है वो हमें असलियत से दूर रखता है। उसे मालूम है कि जब हमारा विश्वास प्रभु में पूरे तरीके से होगा तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो जाएगा और हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे। तो हमारा मन नहीं चाहता कि हम प्रभु में विश्वास करें, इसीलिए इंसान डामाडोल हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने एक शेयर में इसे बड़े प्यार से समझाया। वो फरमाते हैं कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ। वो फरमा रहे हैं कि एक सच्चे इंसान की प्रार्थना प्रभु से क्या होनी चाहिए कि हे पिता परमेश्वर, मुझे मालूम नहीं मेरे लिए बेहतर क्या है, कि मुझे तो ये मालूम नहीं मैंने पिछले जन्मों में क्या करा और इस जन्म में भी जो शुरू शुरू में क्या करा उसकी समझ नहीं, और आगे मेरे साथ क्या होगा उसकी भी मुझे समझ नहीं है। लेकिन आप सब कुछ जानने वाले हो, आपको सब कुछ मालूम है, तो जो आप चाहो मेरे लिए बेहतर है वो मेरी ज़िंदगी में डले।
जब इस किस्म का विश्वास इंसान की ज़िंदगी में होता है तो वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। और जब हम शांत अवस्था में जाते हैं, अभ्यास करना शांत अवस्था में जाना है, तो फिर कोई भी मुश्किल होगी उसका हल निकलना शुरू हो जाता है। अब हलचल हलचल में रहेंगे तो उसमें हम क्या करना है उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए जब भी हम तकलीफ में हों, जब भी लगे कोई सलूशन नहीं मिल रहा, तो हम भजन अभ्यास के लिए बैठे, हम देखेंगे अंदर से हम शांत होंगे। जब अंदर से शांत होंगे, अंदर से सुकून मिलेगा, अंदर से प्रेम मिलेगा, तो हम जो भी मुश्किलात हमारे सामने उसका हल पाना शुरू कर देंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सदा सदा के लिए हमें तकलीफ़ दे सकती है। कुछ कर्म हमने काटने होते हैं, तकलीफ़ आती है, चली भी जाती है। तो जब विश्वास पिता परमेश्वर में पूर्ण होता है तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाते हैं। बार 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 महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं, वो हमें यही समझाते आए हैं कि सबसे ज़रूरी है कि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में हो। हम इस दुनिया में आने के लक्ष्य को जाने, हम जाने कि ये मौका हमें दिया गया है अपने आप को सही रूप में पाने का, जो कि हमारा आत्मिक रूप है, और उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने का। ऊंच नीच जिंदगी में आएगी, ये हम मत सोचें कि कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं हमारी मर्जी के अगर मुताबिक चीज़ जो होनी है वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगी तो वो नहीं होगी हमारी ज़िंदगी में। और जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ होता नहीं तो हमें वो लगता है ये दुख दर्द हो गया हमें। तो हम जाने कि हमें लगेगा दुख दर्द आया ज़िंदगी में, लेकिन उसे घबराना नहीं, उसको जानना, उसको पहचानना, उसकी ओर ध्यान देना है और उसमें मिठास डालनी है, और हम देखेंगे कि नतीजा ऐसा होगा जिससे हमें सुख चैन मिलना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा विश्वास पिता परमेश्वर पर करेंगे, उतना ही इस ज़िंदगी को प्रेम से हम गुजार पाएंगे। ये ज़िंदगी दी गई है कि हम भजन अभ्यास करें, ये ज़िंदगी दी गई है कि हम शब के साथ जुड़ें, ये ज़िंदगी दी गई है कि हम अंदर की दुनिया में उड़ान करें, ये ज़िंदगी दी गई है ताकि जो अंदर की दुनिया के नज़ारे हैं उनसे हम कुछ पाएं और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। ये सब हम सब की ज़िंदगी में हो सकता है। करना ये है कि विश्वास पिता परमेश्वर पर रखना है। जो कुछ हो रहा उनकी रजा में हो रहा है, जो कुछ हो रहा हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है, और बाकायदगी से रोज़ाना भजन अभ्यास करना है ताकि अंदर में जो प्रभु की ज्योति और श्रुति है, लाइट एंड साउंड है, उसके साथ हम जुड़ पाएँ और जो मन माया के पर्दे हमारे आत्मा के ऊपर पड़े हैं वो हटने शुरू हो जाएं, ताकि हम अपने आप को अपने असली रूप में पाएँ, वो रूप जो चेतन है, वो रूप जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, क्योंकि वो रूप प्रभु का ही अंश है, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है।